आज के मुकाबले के लिए जनाब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आज का मुकाबला पहली बात तो ताबड़तोड़ थ्रिलर मैच देखने को मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात है भैया जब आप नाम वाम सुनते हो ना तो वैसे ही एक्साइटमेंट आती है। आई मीन आज आमने सामने होंगे ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन। अब देखिए भैया कितनी भी बातचीत आप कर लीजिए पर सबको पता होता है कि विकेट कीपर बनाम विकेट कीपर की ये लड़ाई है, और ये जो नोक झोंक चलती है ना दोनों टीमों के फैंस के बीच स्पेशली विद दीज टू प्लेयर्स, वो इस चीज को और भी ज्यादा अतरंगी सतरंगी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये तो मतलब थोड़ा सा बिल्डअप हो गया, और ये भी तो समझो कि आज थोड़ा सा ना वो उलट फेर भी देखने को मिलेगी। आई मीन इसके पहले रविचंद्रन अश्विन, शिमरॉन हेटमायर, ये सब दिल्ली कैपिटल्स कैंप का हिस्सा होते थे, अब राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्हीं के अगेंस्ट आज खेलेंगे। तो ये सारी चीजें ना, ये जो गोलमाल है ना, ये इस मुकाबले को बहुत खासम खास बना रहा है। और फिर ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो कि दोनों टीमें अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, और आज की जीत दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट है फिलहाल वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात तुरंत ही बता देना चाहता हूं कि जब आप दोनों टीमों की तरफ उठाकर देखते हो ना तो आईपीएल के इतिहास में दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने हेड टू हेड में एक दूसरे को एकदम बराबर रखा हुआ है। मतलब देखिए भैया वो हाल है ना कि केक कटेगा सब में बराबर बराबर बटेगा, कोई बेईमानी नहीं, हम भी जितना जीतेंगे आप भी उतना जीतोगे। 12-12 मुकाबले दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक जीते हैं, और ये मतलब देखो इतने सारे फैक्टर्स हैं, वो सारी बातें मैं जब देख रहा था आंकड़े वाकड़े ना तो ही मुझे समझ में आ रहा था कि आज के मुकाबले में भैया मजा आएगा, माहौल बनेगा, और माहौल तो यहां पर भी सजेगा, इस वीडियो में भी सजेगा। एंड स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए भैया पिच के पार्ट के बारे में बात करें तो लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं कि अब वेन्यू में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वो दिल्ली कैपिटल्स कैंप थोड़ा सा कोविड हिट कैंप है, तो एज अ प्रिकॉशन मेजर यहां पर जो आज का मुकाबला है वो आपको अब वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिलेगा। एंड वानखेड़े में आप क्या देखते हो, आप देखते हो थोड़ी सी गेंदें लहराती हुई, थोड़ी सी यहां पर पेस मिलती है, अच्छी बाउंस पर गेंद आती है, और उसके बाद जो पिच है ना वो एकदम सपाट, बल्लेबाजों के लिए खूबसूरत पिच, अच्छे खासे तरीके से बल्ले पर गेंद आती है, तो ओवरऑल शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलेगी, नई गेंद से मदद मिल सकती है, एंड देन उसके बाद बल्लेबाज डोमिनेट करते हैं और यहां पर रन आमतौर पर बनते हैं। और बातचीत करें पॉइंट टेबल के बारे में तो पॉइंट टेबल क्यों है ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए राजस्थान रॉयल्स टीम आप नंबर 3 स्थान पर हो, दिल्ली कैपिटल्स टीम आप नंबर 6 स्थान पर हो। अब समझिएगा सुनिएगा, देखिए अगर आज आरआर मुकाबला जीतेंगे तो वो अपने आप को टॉप 2 में लाना चाहेंगे, जीत के साथ आप टॉप 2 में आते हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टीम चाहती है कि भैया आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर वो अपने आप को टॉप 2 में रखें, तो इस लिहाज से ये आरआर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। और फिर जब बातचीत हो दिल्ली कैपिटल्स कैंप की तो देखिए भैया अगर आज आप मुकाबला जीतोगे तो आप अपने आप को टॉप 4 में लेकर आओगे, क्योंकि आपका जो नेट रन रेट है वो तो सभी टीमों की तुलना में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपने तो तोड़ डाला फोड़ डाला पंजाब किंग्स टीम को ना, बहुत पिटाई कर दी, आपका नेट रन रेट सबसे बेहतर है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो भैया आप टॉप 4 में आओगे, जो कि डेफिनेटली दिल्ली टीम चाहेगी, और इसीलिए ये मुकाबला बहुत खासम खास है दोनों टीमों के लिए। एक जीत और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर स्थिति में महसूस करोगे। और फिर भैया थोड़ी सी खबरों की बातचीत की जाए तो खबर में यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम अपने आप को उतना बेहतर नहीं महसूस करते, क्योंकि मिचेल मार्श, टिम साइफर्ट ये दोनों खिलाड़ी आपके लिए अनअवेलेबल है, लेकिन शायद उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स टीम को तो भैया आपने रौंद ही दिया था, और इसीलिए बातचीत की जाए प्लेइंग 11 के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स टीम क्या कोई बदलाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे भैया जब सब कुछ सही चल रहा है, आप इतना अच्छा मुकाबला जीत कर आए हो अपना पिछला मैच, तो बदलाव करने का कोई तुक नहीं बनता। और फिर बात हो रजवाड़े टीम के बारे में तो भैया ये भी क्यों बदलाव करेंगे, पिछला मुकाबला तो आप भी जीते हो, केकेआर के अगेंस्ट थ्रिलर मुकाबला जीता, यहां पर यूजी चहल का हैट्रिक देखने को मिला, ओबेड मैकॉय ने लास्ट ओवर में अच्छा किया। हम चर्चा कर रहे थे कि ओबेड मैकॉय को लेकर आई गई टीम लेकर आई और उन्होंने आपको लास्ट ओवर पहला मैच इतना बेहतरीन मैच, हाई प्रेशर मैच और डिफेंड करके दिया है, तो डेफिनेटली ये टीम फिर वहां पर भी स्टिक करना चाहेंगे, और ऐसे में शायद आपको दोनों टीमों की अनचेंज्ड 11 ही देखने को मिले। और बातचीत की जाए यहां पर थोड़े से आंकड़ों के बारे में, आंकड़े भैया यहां पर क्या कहते हैं, आंकड़े ये कहते हैं कि लास्ट 5 मुकाबले अगर आप उठाकर देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स टीम ने 4 मुकाबले जीता है, एक जीता है राजस्थान रॉयल्स टीम ने, विच मींस कि पड़ला बहुत ज्यादा भारी है भाई साहब, डीसी टीम का पड़ला मतलब हाल फिलहाल में बहुत भारी है। ओवरऑल भले आपको 12-12 की क्वेश्चन देखने को मिल रही है पर हाल फिलहाल में दिल्ली बहुत बुरे तरीके से दहकी और बरसी है रजवाड़ों के ऊपर। और भैया दूसरा आंकड़ा ये कहता है ना कि क्यों बरसी है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस टीम के कप्तान ऋषभ पंत को स्पाइडरमैन आरआर को ये थमाते हैं ठीक ठाक हार, इनको पसंद है यहां पर आरआर के खिलाफ खेलना। आंकड़े ये कहते हैं कि इनकी एवरेज आईपीएल में अगेंस्ट आरआर 60 की रहती है और स्ट्राइक रेट है 164 का, आई मीन दीज आर अमेजिंग नंबर्स, और इसीलिए तो भैया वो सामने संजू सैमसन रहते हैं ना तो ये 10-20 शॉट तो एक्स्ट्रा लगा देते हैं उनको दिखाने के लिए कि भैया जो स्पॉट है ना वो मेरा है, जो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होगा। तो फिर क्या आज एक बार फिर से ऋषभ पंत का बल्ला हल्ला करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया इंपॉर्टेंट है यहां पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर फॉर दिल्ली कैपिटल्स टीम, क्योंकि भैया
जॉस द बॉस बटलर भी सामने है। देखिए आप होंगे ऋषभ पंत, अगर जॉस द बॉस साहब चल गए तो आपकी टीम में जो लॉस है वो बहुत आराम से क्रेडिट हो जाएगी, और इनको रोकने के लिए दिल्ली कैपिटल्स क्या कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं लॉर्ड ठाकुर का, शार्दुल ठाकुर दिल्ली कैपिटल्स कैम के लिए। देखिए भैया जॉस बटलर को 6 पारियों में 2 मरतबा आउट कर रखा है शार्दुल ठाकुर ने। तो भैया लॉर्ड ठाकुर वैसे भी अब नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं डीसी कैम के लिए, और जॉस बटलर के अगेंस्ट तो जानबूझकर करेंगे क्योंकि मैचअप्स भी यहां पर साथ देते हैं, और मैचअप सिर्फ इतने ही नहीं है, ये तो भैया वो आंकड़े में आ गए, मैचअप अभी मैं आपको और बताता हूं। आज के मुकाबले का सबसे पहला मैचअप होगा देवदत्त पाडिकल अगेंस्ट लॉर्ड ठाकुर। देखिए भैया लॉर्ड ठाकुर वो दोनों सलामी बल्लेबाज, जॉस बटलर के भी अगेंस्ट आंकड़े अच्छे हैं और पाडिकल के अगेंस्ट तो और खासा अच्छे हैं, क्योंकि 3 पारियों में 17 रन 19 गेंदें और 3 बार आउट किया, आई मीन 3 पारियां 3 बार आउट कर लिया है भैया, इससे बेहतरीन आंकड़े आपको कहां चाहिए। तो डेफिनेटली 100% पहला ओवर अगर आज दिल्ली कैपिटल्स कैंप के लिए लॉर्ड ठाकुर करते हुए नजर आए तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि पाडिकल साहब और बटलर साहब दोनों को इस खिलाड़ी ने, इस गेंदबाज ने, ऑलराउंडर है वैसे पर गेंदबाजी मतलब वही सब चल रहा है, तो ये तंग करते हैं, अच्छे से तंग करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा यहां पर मैचअप है, और भैया आरआर के पास एक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र है इस टीम का स्पिन डुओ। देखिए उनके आंकड़े तो वैसे भी सबके खिलाफ अच्छे ही रहते हैं, अच्छे हैं भैया सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अगेंस्ट यूजी चहल, 5 पारियां 2 बार आउट कर रखा है आईपीएल में, हालांकि रन भी बहुत बनाए हैं, ध्यान देना रन भी बहुत बनाए हैं पृथ्वी शॉ ने, 18 गेंदों में 39 रन स्कोर किए, मतलब पिटाई तो बहुत करते हैं पर विकेट भी गवा देते हैं, तो ये दो धारी तलवार है, किसी भी तरफ चल सकती है। और उसके बाद डेविड डायनामाइट वार्नर, भैया रोकना पड़ेगा, अगर वार्नर को नहीं रोका आपने तो काम नहीं बनेगा, और सामने रहेंगे कौन, भैया एक ही तो नाम है वो है ऐश अन्ना, एंड वैसे भी लॉजिकल बन जाता है कि देखिए भैया लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, तो वो थोड़ा सा गेंद को दूर लेकर जाते हैं, फिर यहां पर बल्लेबाज थोड़े से फंस जाते हैं, और ऐसे में आंकड़े भी वही कहते हैं 11 पारियां 95 रन 86 बॉल्स और उसके बाद 3 बार फिर आउट किया, मतलब पहले तो बहुत डिफेंसिव अंदाज में यहां पर डेविड वार्नर ने आर अश्विन को खेला है और उसके बाद विकेटें भी अपनी गंवाई हैं। तो यहां पर ये जो मैचअप्स है ना आज के मुकाबले के, यही तो इसकी आन बान शान और जान है, मतलब, और इसीलिए चलिए थोड़ा सा प्रेडिक्शंस कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि मुझे क्या लगता है कि ये मुकाबला किस तरफ, कौन से करवट पटरी पर, किस तरफ, कहां, कैसे घूमते फिरते जाएगा। देखिए भैया सबसे पहले जो मेरे सबसे पहली प्रेडिक्शन है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिल्ली कैपिटल्स का सलामी बल्लेबाज विद इन पावर प्ले अपनी विकेट गंवा देगा, क्योंकि मैचअप्स हमने देख लिए और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट भी हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, शुरुआत में गेंद लहराएंगे तो मुझे लगता है विकेट वो प्राप्त कर जाएंगे, और इसीलिए दैट्स व्हाट आई फील। बाकी हो सकता है कि भैया डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ये तो कितनी आतिशबाजी वाली पारी खेलते हैं ये भी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है देयर कुड बी दैट पॉसिबिलिटी। एंड देन ये जो पी प्लस पी है यानी कि पृथ्वी प्लस पंत आपको दिल्ली टीम में बेसिकली देखने को मिल रहे हैं ना, ये पावर पैक्ड अंदाज में आज बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है, और 30 प्लस में मान के चल रहा हूं, बाकी आप ये तो कहो कि थोड़ा सा ज्यादा ही 40-45-50 रख लो यार, मुझे लगता है ना कि आज इन खिलाड़ियों का दिन हो सकता है और ये रन बनाएंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए। तो अगर पृथ्वी रन बना रहे हैं तो क्या फिर डेविड वार्नर विद इन पावर प्ले आउट हो जाएंगे, खैर वी शैल फाइंड आउट। और उसके बाद मेरा जो तीसरी मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि कुलचा भी तो है साहब, आज कुलचा भी तो देखने को मिलेंगे। क्यों कह रहा हूं कि मुकाबला इतना खास है, एक तरफ है कुलदीप यादव, सामने रहेंगे यूजी चहल, और मुझे ऐसा लगता है कि भैया दोनों खिलाड़ी अब विकेट चटकाएंगे, काफी अच्छी खासी विकेट चटकाएंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि 4 रख दूं, फिर मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा लिमिट में रहे यार, थोड़ा सा लिमिट में रहे, और इसीलिए मैंने 3 के साथ सेफ साइड पे किया है, 3 या फिर 3 से अधिक विकेट ये खिलाड़ी आज आराम से चटकाने वाले हैं, ये मेरा मानना है, और आंकड़े भी उसी तरीके के हैं। देखिए एक तो खिलाड़ी हैट्रिक लेकर आ रहा है, दूसरा खिलाड़ी लगातार विकेट चटका रहा है, तो बिल्कुल चटकाना चाहिए। और उसके बाद भैया मुकाबले में कौन यहां पर बाजी मारेगा, कौन जीत रहा है आज का ब्लॉकबस्टर मुकाबला, देखिए आंकड़ों वाइज डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स टीम का पड़ा भारी है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म जब आप देखोगे तो आपको लगता है कि रजवाड़े ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर टीम है, तो इसीलिए ये जो मुकाबला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यार। मुझे लग रहा है कि डीसी शायद जीत जाएगी, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा राजस्थान रॉयल्स के साथ। मुझे लगता है कि आरआर टीम ये मुकाबला जीत सकती है, वो रजवाड़े आज थोड़ा सा डोमिनेट करके ना अपने आप को टॉप 2 में लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है ये बातें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में तो बताओ ही बताओ, और पब्लिक पल्स में आपने मुझे ये बताया, हालांकि ये बहुत इनिशियल पब्लिक पल्स है तो उतना शायद एक्यूरेट ना हो, पर फिर भी जब हमने देखा तो पता चला कि 55% आर विद आरआर एंड 45% आर विद दिल्ली कैपिटल्स, तो भैया कांटे की टक्कर तो देखने को मिल ही रही है, और आपका भी यही मानना है कि रजवाड़ों का थोड़ा सा पड़ला भारी है। अब फिलहाल अगर हाल फिलहाल में आंकड़े बदल गए हों तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए तो लगता है कि यार रजवाड़े डोमिनेट करेंगे, तो भैया हम आप अभी के लिए सेम नाव पर ही हैं। बाकी देखते हैं कि आज मुकाबले में कौन डोमिनेट करता है, एक बार फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि कौन सी टीम डोमिनेट करेगी। वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और देख
देखना चाहते हैं तो आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।